अस्सलाम दोस्तों इतन सोशल वर्कर ली मोहम्मद जान काकापुरी यम से छ ये बात करनी ये सवाल यम जसास कोनो हस्मस जून देथोस वीड आउट केस कर सेक्शन मोकम सोशल वेलफेयरन ताकि आज आस्तान चन पेमेंट गसन कीन यम जनवरी यम दिसंबर जसास कोनो गई सेक्शन दिसंबर जसास को या जनवरी जसास वसमस गई सेक्शन तिमन के पेमेंट जुसा कन्वस मेम जून उस पेमेंट पेंडिंग वीड आउट के मोहम्मद सोशल तो कर जिले पुल कथ क्रर बाहमद जानस सत्या का अमे मतलब क्या करें क्या अच्छे बेवहता बुजर्ग अकन हेंडी कैप तिल महमद जानब अार तु क्या हम पार्क वल बहुत दिनों से तकरीबन पांच छह महीनों से मुसलसल लोग आ रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से कई इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको दो हद जो है नहीं मिल रहा है पेंशन बाद में जब मालूम के लिए हम गए मालूम करे उनके पास कागजात थे तो मालूम हुआ कि वोट एक स्कीम के तहत इनको लिया जाता था जिसमें डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक पुलवामा से आठ सौ बत्तीस केस ऐसे हैं जो कन्फर्म हमको हुए हैं डिपार्टमेंट के थ्रू आठ केस ऐसे हैं वीड आउट में जो 2019 जून में सेक्शन हुए हैं 2019 जून में सेक्शन होने के बाद में उनको आजकल 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 किया जा रहा है उसके बाद 2019 दिसंबर में कुछ केस सेंक्शन हुए उनका पेमेंट रिलीज हुआ उनको माहाना पेंशन मिल रहा है जनवरी 2020 में कुछ केस सेंक्शन हुए उनका पैसा मिल रहा है उनको महाना पेंशन आ रहा है मगर जो जून 2019 में आठ केस हुए हैं उनका पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हो पा रहा है ये बहुत पैसा बन रहा है उन लोगों का मगर सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ गौर फिक्र करनी चाहिए अब रोज़ाना जो है आफिस आफिस बंद दफ्तर बंद हैं इंसान आ नहीं सक रहा है जा नहीं सक रहा कहीं पर तो ये हमारी मैसेज है सरकार से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे है और डीसी साहब पुलवामा के साथ साथ सोशल वेलफेयर डायरेक्टर साहब को भी है कि वो जल्द अज जल्द जो है इन लोगों का ये जो आठ सौ बत्तीस केस हैं पुलवामा में वीड आउट के इनको इनका जो है माहाना पेंशन वागुजार हो जाए अगर नहीं हो जाएगा। लोग फिर सड़कों पे आ जाते हैं जब हम पूरे दफ्तरों पे जाते हैं इससे पहले भी ऐसा ही महाना पेंशन जो है साल एक साल से रुका पड़ा था बुजुर्गों का वो भी नौ सौ हजार केस थे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में करीब करीब और पूरी रियासत में हजारों में थे चार करोड़ से ऊपर उनका पेमेंट बन जाता बन रहा था उस वक्त तो उसके लिए भी जब पूरे बुजुर्ग लोग फिर जो है सड़कों पे आ गए रेडियो स्टेशन पहुंच गए शहरबिन पहुंच गए टीवी स्टेशन पहुंच गए प्रेस कॉलोनी गए डायरेक्टर ऑफिस गए धरना दिए लोगों के लिए फिर आखिरी ऑप्शन यही होता है कि वो एहताज करते हैं अपने जो है हुकूक के लिए एहताज करना जायज़ है ऐसे हुकूक के लिए बिल्कुल पुरा एहताज और फिर अगर हम सरकार से गुजारिश करते हैं माहिर मुबारक है ईद आने वाली है और हालात भी देखिए कितने इधर मुश्किल हालात हैं अगस्त से कंटिन्यू बने हुए गुज़ारिश करते हैं एक बार फिर सरकार से इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सोशल वेलफेयर डायरेक्टर साहब से और डीसी साहब पुलवामा से कि ये आठ सौ केस के साथ साथ पूरे कश्मीर के अंदर कितने केस ऐसे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में जो विद आउट पेंडिंग हैं जो है उनको फ़ौर माहाना पेंशन जो है उनका रिलीज़ किया जाए ताकि ये लोग भी जो है अपनी जो ये मुसीबत की ज़िंदगी पहले से रहती है बेवा की यतीम की और जो है बुज़ुर्गों की नातवानों की इसमें थोड़ी बहुत राहत इनको पहुंच जाती तो हमारी यही एक बार फिर गुजारिश है इंतज़ामिया से सरकार से डायरेक्टर साहबा से किसी साहब से कि इनका जो है माहाना पेंशन बुजुर्गों का बेवाओं का और जो है यतीम इसमें नातवान है जो ये वीड आउट दो जून से रुके हुए हैं सेंक्शन हुए हैं मगर अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा है इसके लिए जल्द अज जल्द कोशिश की जाए वो जो है सबके ऊपर जो है नवाजिश होती सरकार की इस वक्त इस माह रमज़ान और मुबारक में दोस्त ने इमाम से बात की इसने कहा कि अगर नहीं होगा इनका पेमेंट जल्द से जल्द तो हम फिर उसी तरह ऐतजाज करेंगे जैसे कि हमने पहले भी ऐतजाज किया खुदा खुदाफिस काकपुर से